खापरखेड़ा क्षेत्र में विविध जगह नागपंचमी महोत्सव उत्साह से मनाया गया। विधिवत धार्मिक पद्धति से कोला नदी के तट पर इंदिरा नगर आबादी खापरखेड़ा क्षेत्र में नागपंचमी उत्सव पर विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पश्चात धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही कड़ाई प्रसाद का वितरण किया गया। इंदिरा नगर आबादी के शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ हुई। जय बोले जन सेवा समिति द्वारा नागपार श्रद्धालुओं ने कढ़ाई की है। बताया जा रहा है कि इंदिरा नगर आबादी नजदीकी कोला नदी के तट पर शिव मंदिर पिछले 9 सालों से बसा हुआ है। इस मंदिर में नागपंचमी उत्सव, नवरात्रि उत्सव, शिवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ काफी होती है। जय भोले जन सेवा समिति द्वारा नैवेद्य, दूध लाई, कढ़ाई प्रसाद, भगवान शंकर जी एवं नागमूर्ति पर चढ़ाई गई है। हर हर महादेव जैसे नारे लगाए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जय भोले जन सेवा समिति के अध्यक्ष बबलू कस्बी, सेक्रेटरी हरिकेश बघेल, मंगल सिंह, हेमराज लवारे, जीवन उसी, रामचरण सोनवरे, बबलू तांडेकर, संदीप युनाती, कोमल कुकड़े, माजी ग्राम पंचायत सदस्य श्रीचंद कौरती, समाज सेवक यादव पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता कुशल सहारे, अनिल कौरती, रियांश प्रियांश, अमन एवं अन्य शिव भक्त उपस्थित थे। आज शिवरात्रि निमित्त, नागपंचमी निमित्त इथे हाजिर झालेले सगळे भक्तगण मंडळी इथे येतात आणि हे खापरी आबादी इथे शिव मंदिराची स्थापना झालेली आहे आणि इथे 9 वर्ष पूर्ण झालेले आहे आणि इथे भंडारा करतात लोक आणि सगळे जय सेवा समिती या मंडळातर्फे इथे कार्यक्रम आयोजित केलेले जातात। तरीपन या मंदिराला काही चांगलं काम व्हावं, इथे पाणी येते, बाढ येते आणि सगळे मंडळी इथे बसले राहतात, त्यांना अडचण होते आणि इथे थोडे कार्यक्रम चांगले व्हावे आणि सगळ्यांनी सहयोग करावा आणि गव्हर्नमेंटनी हिच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कारण की 9 वर्ष झालेली, प्रगती काही झालेली नाही आहे आणि इथे खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी येतं आणि मंदिराच्या वरपर्यंत लहर येते पाण्याची आणि इथे सगळे मंडळी बसले राहतात, कारण की आपल्याला कार्यक्रम करायचा आहे, सगळं काय करायचं आहे याच्याकडे दुर्लक्ष आहे। हे गव्हर्नमेंटनी लक्ष दिलं पाहिजे, पंचायतनी लक्ष दिलं पाहिजे। बीसीएन न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबी की रिपोर्ट।